रेडी होने के लिए कुछ भी नहीं, ज़्यादा क्या रेडी होना बट फिर ये पलक में एक काटी और एक लाइनर निकाला और देन अपनी देखो मेरे को नहीं खिंचवानी, मेरे को खिंचवानी सोच रही हूँ कि ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। तो आज है 16 जून और आज है कॉलेज में कॉन्सर्ट, तो देन आज जाएंगे 11 बजे हम कॉलेज। तो ना फिलहाल के लिए अभी 10:15 हो रहे हैं, तो अभी नहाने होंगे, तो अभी होना है रेडी शेडी, तो पलट के लिए नहाने। तो आज आपको बताऊँगी कॉलेज का कॉन्सर्ट और सिंगर कौन कौन से आए हैं वो आपको बताऊँगी आगे बाद में। सो आज पूरा कॉन्सर्ट आप देखोगे मेरे ब्लॉग में। हे गाइस, मेरा माऊ बिल्लू भी आ चुका है नहा के। ये रहा माऊ बिल्लू, अपने कपड़े ढूंढ रहा है। तो देन अभी होंगे रेडी क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और देन अभी होते हैं रेडी शेडी। हे गाइस, यूनिफॉर्म मैंने पहन ली और मेरे को हेयर स्टाइल नहीं समझ में आ रहा, वैसे ही बनाऊंगी फिलहाल के लिए, बाकी देख लेंगे शो के सूट के साथ कौन सा करना है। सो अभी बनाती हूँ हेयर स्टाइल। देखो ये हमारी बिल्लू राजी बिल्लू रानी तैयार हो रही है। बिल्लू रानी बताना, ये बिल्लू रानी ने डाला है काजल, लाइनर, आई शेड और देन बिल्लू रानी का सूट। बिल्लू रानी पीछे हो, ये देखो गाइस अच्छी लग रही है, ये बहुत प्यारी लग रही है। सो गाइज ये रही मेरी लुक। गाइज अभी हो गए हैं रेडी और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे काम वाली भाई वाली। तो देखते हैं इस दुपट्टे का क्या करना है, कैसे सेट करके लेना है नाम से पूछ के ना। वैसे तो बाकी लुक तो ये है। सो गाइज यहाँ पे होगा हमारी परफॉर्मेंस फंक्शन। हम पहुँच चुके हैं कॉलेज और अभी जा रहे हैं हॉस्टल, उसके सारे फ्रेंड्स ऊपर हैं और हमें नीचे क्या करना था, अभी चलते हैं उनके पास। पहुँच चुके हैं हॉस्टल और अब चलते हैं रूम। गुड आफ्टरनून, देख सकते हो यहाँ पे हमारी नेहा देवी तैयार हो रही है। यहाँ पे हमारी अंजुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज। गाइज ये सब हमारी क्लास की लड़कियां हैं जो रेडी होके आई हैं। ये हमारी सोनिका, सोनिका डांस कर रही है। ये हमारी सीआर और ये हमारी क्लास की इंटेलिजेंट गर्ल। अभी तक टाइम 1:30 बज गया और अभी तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आई डोंट नो कब स्टार्ट होगा और मैं इस ड्रेस में ना मेरा घूमने का मन नहीं कर रहा यार। सभी ने सूट पहने अच्छे अच्छे, मैं वाइट पहन के घूम रही हूँ। मतलब वाइट कलर मेरे को अच्छा लगता है बट आज के दिन तो चलो कोई बात नहीं। सो अभी कर रहे हैं, लगे हम अंदर रिसेप्शन हॉल में प्रैक्टिस डांस की, तब तक कर लेते हैं फिर बाहर जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है कसम से। टेंट के नीचे इतनी गर्मी लग रही है ना, तो अभी करते हैं प्रैक्टिस फिर मिलते हैं आपको बाद में। इस लड़की ने मेरे साथ एक फ़ोटो भी नहीं लिया, एक फ़ोटो भी नहीं लिया इसने। इसको पूछना है इसने लिया मेरे साथ एक फ़ोटो, इसने एक फ़ोटो भी नहीं लिया। मैं इसके साथ बात नहीं करने वाली, ये इसके मैंने इतने फोटो लिए, इसने एक बार भी गाइस ने बोला कि मैं तू मेरे साथ फ़ोटो ले। इसके मैंने फ़ोटो खींचे इतने अच्छे हैं, इसने मेरे साथ अकेले में एक भी फ़ोटो नहीं लिया गाइस। ये शरेआम झूठ है गाइस, देखो ये मैं आपको बताती हूँ ये झूठ है। ये ग्रुप फ़ोटो है हमारी, ये देखो गाइस ये ग्रुप फ़ोटो है, झूठ। ऐसे होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे चुप। ये देखो चुप। मेरे को नहीं खिंचवानी, मेरे को खिंचवानी नहीं है गाइस। अगर मेरा गुस्सा जायज ना हो तो आप कमेंट में लिख के बताना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा करे तो आपको कैसा लगे। ओके सो गाइस अभी करती हूँ प्रैक्टिस, मेरे को इसके साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, कोई भी फ़ोटो नहीं खिंचवानी है मेरे को। सो गाइस बाय बाय।
सो है गाइस, प्रैक्टिस करने के बाद हम गए बाहर और बाहर हमने देखा कि स्टेज वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है और ये भी बाहर की डेकोरेशन एंड देन ये थी स्टेज, काफ़ी अच्छे से परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी, बट कॉन्सर्ट जो है रात को ही शुरू हुआ था और देन फिर हम भी यहाँ पे बैठ गए और ये प्यारे से बैलून बहुत अच्छे लग रहे थे, कलरफुल रेड वाइट ब्लू और देन ये LED के स्टार्ट था, थोड़ा बहुत गाना शाना गाइज, कॉन्सर्ट होने वाला था, स्टार्ट फंक्शन और देन ये हमारे हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स थे जो आ चुके थे एंड देन चीफ गेस्ट आना बाकी थे, हम बाकी ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स वगैरह इकट्ठे हो चुके थे और एंड फिर थी स्टार्ट परफॉर्मेंसेज विद फर्स्ट परफॉर्मेंस माई सरस्वती वंदना और देन फिर मैंने की सरस्वती वंदना हमारी प्यारी सी क्लास की रिया की परफॉर्मेंस और जिसमें कि चीफ गेस्ट आ गए थे तो गाइस ये हैं फार्मेसी के गाइज़ी लगाई गई टीचर्स को बैचेस, हमारे सीनियर्स लगा रहे थे एंड देन फंक्शन चालू था और सभी टीचर्स को बैचेस लगाए गए पूरे स्टाफ के लिए दिल से ताली हो जाएगा प्लीज। मैं चाहूंगा कि एक एक बार अपने अपने नाम पे भी ताली हो जाए।
तो ये बातें चलती रहेंगी साथ साथ में जरूर, और कोशिश करते हैं कुछ हमारे रिस्पेक्टिव चेयरमैन सर, और कॉन्सर्ट थोड़ा सा बीच में रोक दिया गया था, देन सर ने हमें एजिटेशन जी दिया भी हाई हुए, बड़ा बढ़िया माहौल चलन दिया ये बापू कितों आ गए है ना वेलो जे ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਏ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਕਜਿੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਟੈਗ ਅਤੇ ਮੈਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ तो गाइस ये थे चेयरमैन सर की डॉटर एंड ये एडवोकेट और इनको भी अप्रिशिएट किया गया एंड देन फिर आगे Oh,
गाइस ये सिंगर सॉन्ग गा रहे थे नीचे आके एंड देन ये सभी स्टूडेंट्स जो चंबा भरमौर हिमाचल वाली साइड के हैं उस उन सभी ने नाटी की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से की थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एंड देन फिर सिंगर ईशान भारद्वाज, संजय शर्मा जी, इन सभी को अप्रिशिएट किया गया और फिर इनकी परफॉर्मेंस हो गई थी ख़त्म। एंड देन फिर हमारे नेक्स्ट सिंगर आने वाले थे गाइस, ये थी हमारे चेयरमैन सर के सन जो कि डॉक्टर गुरसिमरन सर, और ये सिंगर भी हैं। सो इन्होंने भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग गाया था, इनका सॉन्ग जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, सो ये परफॉर्म करके बताया था सर ने। नाचिएगा जरूर अगर पसंद आए, ताली ओ मेरे खुदा से शू उठे चिट्टी टेक जटा दे आ मुंडे भी भवाई पूरी से ओ चिट्टे चिट्टे शू उठे चिट्टी टेक जटा दे आ मुंडे भी भवाई पूरी से ओ टॉप नॉच ट्रिप जे पाच कले को सुबह चा दे यकीन शामी चल से पसे ओ चिट्टे चिट्टे शू उठे चिट्टी टेक जटा दे आ मुंडे भी भवाई पूरी से चिट्टे चिट्टे शू अगर पसंद है तो नाचो जरूर फिर ठीक है। ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਮਾਰ ਫਲਿਪ ਜੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਫਲਿਪ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨੀ ਟੇਕ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਸੋਚ ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਕ ਚੱਟਾ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਕ ਚੱਟਾ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਏ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਲਾ ਕਲਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿੰਗ ਕਿੰਗ ਆਏ ਨੇਚਰੋਂ ਅਸ਼ਾਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਫਲਾਏ ਫਲਾਏ ਕਰਾਂ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਕ शाम के बज चुके हैं 7:30 और दो सिंगर की परफॉर्मेंस हो चुकी है और अब आएंगे लास्ट सिंगर अनुषा शर्मा जो कि जम्मू से इंडियन सिंगर, सभी उनकी वेट हो रही है तो कौन सा रात तक चलेगा, बट हम चेंज करने के लिए कपड़े नहीं लाए हैं और इसलिए Thank you.
Thank you.